हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी जो कि नंबर दो की दुनिया कंपनी बन चुकी है स्मार्टफोन बेचने में। चलिए जानते हैं Xiaomi ने कमाल कैसे किया और कितना परसेंट कैप्चर किया है यानी कि पूरे वर्ल्ड में। चलिए जानते हैं। नंबर फोर्थ की बात करें तो ओप्पो कंपनी है जो कि 10% मार्केट शेयर के साथ पूरे दुनिया में इसने फोर्थ नंबर पर रैंक किया है। 10% मार्केट शेयर कैप्चर किया है इसने। और बात करते हैं थर्ड नंबर की जो कि एप्पल कंपनी है और ये नंबर सेकंड पे रहती है ऐसे। अब की बार ये पिछड़ कर थर्ड नंबर पे आ गई है जो कि सेकंड नंबर Xiaomi आ चुकी है। चलिए जानते हैं इसका मार्केट शेयर कितना है। इसका 14% मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में, ये थर्ड नंबर पे है। और बात करते हैं सेकंड नंबर जो कि Xiaomi कंपनी है, ये नंबर सेकंड पे है और इसका मार्केट शेयर है 17% इन पूरी वर्ल्ड में जो कि है पूरी दुनिया में इसका मार्केट कैप्चर किया है इसने 17%, जो कि काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया है इस टाइम पर। और बात करते हैं नंबर वन की जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कंपनी है बहुत दिनों से, Samsung कंपनी, जो कि 19% यानी कि कैप्चर किया है मार्केट को, उस नंबर फर्स्ट पे है जो कि Samsung कंपनी यानी कि नंबर वन पे कैप्चर करके अभी भी बैठी है। और देखना होगा Xiaomi कंपनी कब तक ये अपना मार्केट कैप्चर कर पाती है, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे आ पाती या नहीं आ पाती। बीच में Huawei कंपनी जो कि एप्पल को पिछाड़ कर नंबर दो की कंपनी बन गई थी, लेकिन एप्पल के जो कि अमेरिका में कुछ प्रतिबंध लग गए थे Huawei कंपनी पे, तो एप्पल से पिछड़ कर फिर से वो लिस्ट से बाहर हो चुकी है जो कि रैंकिंग स्मार्टफोन थे। ऐसे में अब Xiaomi को देखना होगा ये कितने दिनों तक मार्केट कैप्चर कर पाती है। और बात करते हैं इसका कमाल कैसे किया Xiaomi ने। ये जो Mi 11 Ultra था स्मार्टफोन जो कि सबको टक्कर देता था, इसका मार्केट शेयर जो कि था काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था। और इसका जो आप प्राइजेस देख लीजिए, इसका 75% प्राइजेस कम होता है एप्पल और Samsung कंपेयर टू जो कि स्मार्टफोन आते हैं, जो कि ये स्मार्टफोन था 70,000 के अंदर और जो एप्पल के थे और Samsung के थे ये 1.5-1.5 लाख रुपए के थे। Samsung का तो 1,10,000-1,20,000 का था, लेकिन जो कि मार्केट कैप्चर करने की बात है तो Mi 11 Ultra जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन माना जाता है, इसने बहुत बड़ा काम किया है इस मार्केट शेयर को बढ़ाने में इसकी Xiaomi की, जो कि नंबर दो की हकदार है, जो कि Mi 12 Ultra का स्पेसिफिकेशन आ चुकी हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चाहे सब्सक्राइब कर दें।